यहाँ जी नबीहा क्या सुबह को प्रैक्टिकल हम देखने आए हैं इसका सेंटर, क्योंकि बनाने नहीं लगी, साग बना रखा था उसको तड़का लगाने लगी। ये कब से आपने संभाल के रखा हुआ था? ज्यादा मैंने टमाटर खरीदे हैं वहाँ जान नबीहा का हम सेंटर देखने गए थे, वहाँ ये जरा सही रेट पे टमाटर मिले। करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो करते हैं शुरू आज का व्लॉग, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। कल है नबीहा का प्रैक्टिकल और अभी तक हमने उसका सेंटर नहीं देखा कि कहाँ उसका प्रैक्टिकल होना है, क्योंकि रेहान कल से गए हुए हैं सियालकोट मेरी छोटी सिस्टर के पास, पूरब और रेहान दोनों गए हुए हैं, अब वो आने वाले हैं। तो जैसे ही वो आएंगे फिर हम जाएंगे नबीहा का सेंटर देखने के लिए। और गर्मी इंतहा की है, इतनी ज़्यादा कोई गर्मी है ना, मुझे इतना पसीना आ रहा है यहाँ बैठे हुए, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, दिल नहीं करता कि घर से बाहर निकले, लेकिन क्या करें मजबूरी है, नबीहा का प्रैक्टिकल भी दिलवाना है। यहाँ जी नबीहा का सुबह को प्रैक्टिकल हम देखने आए हैं इसका सेंटर, क्योंकि हमने अभी तक सेंटर नहीं देखा था कहाँ प्रैक्टिकल है इसका, यहाँ पे है प्रैक्टिकल, मिल ही गया फिर स्कूल मिल ही गया, क्या आराम से मिल गया। हाँ तो मैं जा के भेजा था, ज़्यादा दूर भी नहीं है घर से, पास ही है। साग बनाने लगी मम्मा आज? बनाने नहीं लगी, साग बना रखा था उसको तड़का लगाने लगी। ये कब से आपने संभाल के रखा हुआ था? ये मैंने नहीं, नानी अम्मी की तरफ रखा हुआ था, नानी अम्मी ने बनाया होगा जब अभी थोड़ी थोड़ी सर्दी थी तो उधर रखा था, फिर नानी अम्मी ने मुझसे पूछा अगर तड़कना है तो ले जाओ, मैंने कहा दे दें। मम्मा को भी और कुछ नहीं मिला, साग मम्मा तड़कने के लिए लेके आई हैं। हाँ जी, चावलों का आटा है फिर? हाँ जी है। चलो फिर इसके साथ चावलों की रोटी बना दो। मैंने अब आटा गूंद लिया, दूसरी खा लो। दूसरी नहीं ना खाई जाती, पराठा बना देती हूँ। नहीं क्यों? मैंने नहीं खाना। पहले तो ये जी कह रही थी सर्दियों में साग खाया जाता है, इस मौसम में कौन खाता है? कौन खाता है इस मौसम में? खाते हैं इस मौसम में भी जिनको पसंद होता है, जैसे कि मैं। तो आपको पसंद है आप हमें क्यों खिला रही हो? सारे खाओ ना, साग सेहत के लिए अच्छा होता है। चलो आप बेनिफिट्स भी बताओ साग के फिर मुझे। पेट के लिए अच्छा होता है, मैदे के लिए अच्छा होता है। ये सारे मसले मुझे, आयरन होता है इसमें, आयरन की कमी भी है मुझे। हाँ जी, तो सारे तुम्हारे मसले ठीक हो जाएंगे इससे। साग खाया करो, साग पालक मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स सारी। हाँ जी, मैं फिर एक काम करती हूँ ना, साग को स्टॉक करके रख लेती हूँ, रोज ही साग खा। अब इतना भी नहीं खाना चाहिए रोज, और तुम और रोज साग खा लो। वो मैं कौन रहा है, स्टॉक करके रख लूंगी, जिसने खाना होगा खाए, मैं तो वही खाऊंगी जो मेरा दिल करेगा। हाँ जी सही कह रही हो, मुझे बाहर से वो लहसुन ला के दो, तड़का लगाऊं इसको। लहसुन से तड़का लगाना है? हाँ जी। कितना चाहिए लहसुन, छोटा बड़ा मीडियम, कौन सा? जो होगा ले आओ। मीडियम 50 रुपए, स्मॉल 20 रुपए, और जो सा लार्ज। हाँ जी, ये घर में भी लहसुन मुझे ना प्यासों से देगी, जाके ना चुप करके ले आओ, कभी मैं पैसे ले लूँगी। एक काफी है ना? हाँ जी काफी है, तड़का ही लगाना है मैंने इसको। ये लो, और ये देखो मेरी फिंगरप्रिंट लगी हुई है। हाँ जी, अब धड़ाधड़ सुबह प्रैक्टिकल है ना, इतने दिनों से रिलैक्स बैठी हुई थी, आज धड़ाधड़ जी तैयार। मेरे जहन में ही नहीं था मेरा प्रैक्टिकल का पेपर रहता है अभी। हाँ जी, ये तो मेरे जहन में रहना चाहिए कि आपका प्रैक्टिकल है। नहीं, बाकी तो मेरी नोटबुक कम्प्लीट हो गई थी, बस लास्ट दो प्रैक्टिकल रह गए थे, वो अब बना रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता रोज इंसान बनाता रहे तो एकदम बर्डन आना पड़े। मैंने आहिस्ता आहिस्ता ही बनाया था, आपको याद है ना, पहले भी तकरीबन एक डेढ़ माह पहले आपने व्लॉग में दिखाया था, मैं प्रैक्टिकल्स बना रही थी, उस दिन मैं पूरा दिन बैठी रही और मैंने 10th के कंप्लीट किए थे। हाँ जी, अब कितना रह गया? बस दो प्रैक्टिकल रह गए वो बनाने। चलो इतना बनाओ ना बैठ के, मैं ये फिर रोटी बन जाएगी, फिर आवाज़ दे दूंगी, आ जाना खाने। अच्छा जल्दी बनाना, भूख लग रही है मुझे। अच्छा, सेंटर हम देख रहे हैं नबीहा का, और आके खाना भी खा लिया, साथ के साथ मुझे दाल की रोटी खाई है, और पूरा पहुंच गया एक दिन बाद घर।
हमें इसकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई हूँ रवि, सबने बहुत ज़्यादा इसको मिस किया। और देखें जी पोनिए खोल दी इसने आते ही, कपड़े चेंज कर लिए और ये ऐसे जिन बन गया, वह छोटा सा जिन बन गया। और जब हम घर से निकलते हैं ना तो साथ दो तीन और काम करते आते हैं। ये देखें जी कितने ज़्यादा मैंने टमाटर खरीदे हैं। वहाँ जान बिहा का हम सेंटर देखने गए थे, वहाँ ये ज़रा सही रेट पे टमाटर मिल रहे थे, मैंने ले लिए हैं। अब मैं इनका पेस्ट बना, टमाटर मैंने वहाँ से लिए हैं, पानी लेना था घर के लिए, पीने वाला पानी ख़त्म हो रहा था वो लिया है, घर की थोड़ी सी ग्रॉसरी कर ली थी वो भी हमने आते हुए वापसी पर। और ये जी देखें नबीहा बर्तन धो रही है, यहाँ बर्तन धुले धोए जा रहे हैं। चम्मच डेली ऐसे ही होते हैं, आज आप धो रही हो ना इसलिए आपको लग रहे हैं कि चम्मच ज़्यादा आ गए हुए हैं। ऐसे ही होते हैं रोज़ाना, कभी ये वो दूध में चीनी मिक्स करती हैं, कभी शरबत भी मिक्स करती हैं, तो वो ऐसे ही चम्मच हो जाते हैं इतने ज़्यादा। पूरब की वादी क्या कर रही है, और ये देखें जी सारी फिर रही हैं इधर उधर, नमाज की तैयारी हो रही है, नमाज पढ़ने का टाइम हो गया हुआ है, बाबा नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ जी ये जी नमाज पढ़ी जा रही है, आप भी जल्दी करो ना लेट हो रहे हो नमाज से। और हुरब ने नहीं पढ़नी नमाज, पढ़ोगे? हुरब नमाज पढ़ के बहुत ज़्यादा दुआएं करती है अल्लाह से, इतनी ज़्यादा हुरब दुआएं करती है मम्मा के लिए, बाबा के लिए, आपियों के लिए, नबीहा आपी के लिए, कि अल्लाह नबीहा आपी के एग्ज़ाम्स अच्छे करे, नबीहा आपी को ज़्यादा से मार्क्स आए पेपरों में, है ना। पूरब दुआ करती है ना सबके लिए। हाँ जी ये बाल तो सही कर लेने थे, वो चोट लगी है मेरी शहजादी को। हाँ जी बैलून फटा, आप दोनों को चोट लगी, जुहान को और आपको, दोनों इकट्ठे हुए इन्होंने वहाँ शिकारते किए, खूब खेले हैं, मस्तियाँ की हैं, सारे थे हम बच्चा पार्टी। हाँ जी सारी बच्चा पार्टी थी। इसकी खाला की कॉल आई है, उसने मुझे बताया वो हूरब इतनी ज़्यादा यहाँ खुश हो रही है, जुहान के साथ खेल रही है, मज़े कर रही है, बहुत ज़्यादा शरारतें कर रही है। ऐसे ही बच्चों से शरारतें होती हैं। हाँ जी सुबह फिर हो गया प्रैक्टिकल की तैयारी, नोटबुक हो गई है रेडी। हाँ जी आते ही फिर ये एकेडमी चली गई थी स्टैम्प्स लगवाने के लिए, वैसे तो आजकल ये एकेडमी नहीं जा रही, घर में ही शुगर है टाइम पे याद आ गया कि स्टैम्प भी लगवाना। हाँ जी घर में ही इसने प्रैक्टिकल की नोटबुक्स तैयार की हैं, आज फिर स्टैम्प्स लगवानी थी उनके ऊपर, फिर जब हम सेंटर देख के वापस आए हैं साथ ही फिर ये उधर एकेडमी चली गई स्टैम्प्स लगाने। आपको प्यास लगी है पानी पीना है? अब जी इन टमाटरों को मैं अच्छे से वॉश करके इनका पेस्ट बना के फ्रीज कर लूँगी। बन रहा है जी सुबह सुबह नाश्ता, नाश्ते में बन रहे हैं आलू वाले पराठे, और ये मैं बना रही हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि नबीहा का आज प्रैक्टिकल है, इसके प्रैक्टिकल के लिए हमने जाना है। देखो तो दिल ही नहीं कर रहा नाश्ता करने का। हाँ जी तुम्हें तो वैसे ही टेंशन में तुम्हारी भूख उड़ गई होगी, पूरे पेपरों में इसने मुझे इतना तंग किया है, ना नाश्ता करती थी ना खाती थी सही तरह से, और फिर सब मुझे बोल रहे थे कि इसका क्या हाल हो रहा है, ये क्यों इतनी कमज़ोर हो रही है, और आज प्रैक्टिकल है आज फिर इसका यही हाल है। दिल नहीं कर रहा मेरा आज, देखते हैं आज प्रैक्टिकल कैसा होता है इसका, अल्लाह करे कि अच्छा हो जाए। अच्छा होगा क्योंकि मैंने नोटबुक प्यारी प्यारी बनाई है। हाँ जी चलो अब नाश्ता करो, थोड़ा बहुत कर लो, खाली पेट नहीं जाते, थोड़ा बहुत करो नाश्ता जी, चाहे दो नवाले खा लो लेकिन खाना लाजमी है। अब मैं ये बना जो रही हूँ, बिस्मा बीरा तो स्कूल गई हुई है कि वो कर लेती, वो तो अपना लंच लेके चली गई हैं साथ, आलू वाला पराठा लेके गई हैं वो भी। क्या होगा आज प्रैक्टिकल में? बहुत अच्छा होगा, पहली दफ़ा दिन जा रही हूँ ना प्रैक्टिकल, क्योंकि नाइन्थ में तो बोर्ड के पेपर दिए थे, टेंथ के बोर्ड के पेपरों में इतना मसला नहीं हुआ, नाइन्थ के बोर्ड के पेपरों में परेशान हुई थी, टेंथ के प्रैक्टिकल में। अब ऐसा ऐसा पता चलता जा रहा है ना बोर्ड के पेपर कैसे होते हैं, अब आगे क्लासेज में आसानी रहेगी। फर्स्ट टाइम जो देता है वो उसको होती है टेंशन के, पता नहीं क्या बनेगा क्या हो जाएगा। प्रैक्टिकल में मैंने ये नाम पहली दफ़ा सुना है वाइवा, मुझे लगा था ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में होता है। देखो कितने प्यारे मेरे मज़ेदार आलू के पराठे, बड़े बड़े।